हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वीट एंड स्पाइसी क्यूजिन में स्वागत है। बारिश के मौसम में ये प्याज के पकौड़े जरूर बनाएं। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और उनका छिलका निकाल लिया था। पहले प्याज को इस तरह 2 हिस्से में काट लेंगे, फिर इस तरह पतली पतली स्लाइस में काट लेंगे। कट करने के बाद प्याज के टुकड़ों को इस तरह अलग कर लेंगे। और एक बॉल में डालेंगे। सारी प्याज को कट कर लिया है मैंने और सारी प्याज के टुकड़ों को इस तरह अलग कर लेंगी। 1.5 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक कर 10 मिनट रेस्ट लेंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं नमक की वजह से प्याज में से थोड़ा पानी निकला है। एक बार प्याज को बढ़िया से मिला लेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच ग्रेट करा हुआ अदरक डालेंगे और चम्मच से मिक्स करेंगे। अब बाकी के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से मसल कर डालेंगे। बेसन को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पहले 3 चम्मच बेसन डालेंगे और बढ़िया से मिला लेंगे। सारी सामग्री के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 2 चम्मच बेसन और डालेंगे। टोटल 5 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। बढ़िया से मिला लेंगे। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और बढ़िया से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हाथों से ही मिला लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से बाइंड हो रहा है। पकौड़ों का बैटर हमें इतना ही थिक रखना है। तो पकौड़ों की शेप देकर गर्मा गर्म तेल में हाई फ्लेम पर पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से पकौड़े अंदर से ऑयली नहीं बनेंगे। बीच बीच में पकौड़ों की साइड बदलते रहेंगे। पकौड़े ब्राउन हो जाए तब उन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली है, उन्हें भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
क्रिस्पी प्याज पकौड़ों को फ्राई मिर्ची, प्याज और टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।